Hey guys, subscribe to my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। So hey guys, welcome back to another video. मेरा नाम है सेम चावला और आज की वीडियो में हमारे पास है टैग की तरफ से ब्रांड न्यू स्पीकर। दिस इज द टैग रिवॉल्व ब्लूटूथ स्पीकर जो कि पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है। आज की वीडियो में हम इसको रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और साथ ही में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अगली वीडियो में हम इससे कंपेयर करने वाले हैं इसके साथ द बीस्ट वर्सेस द बेबी टैग रिवॉल्व वर्सेस द टैग सोनिक एंगल वन। तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ पैकेज आपको देखने को मिल जाता है टैग रिवॉल्व का। साइड में आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर इसके टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पर टैग की ब्रांडिंग दी गई है। तो ऐसा कुछ बॉक्स है, तो चलिए इसे अब हम ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लिड को हटाते हैं तो ऊपर हमें एक प्लास्टिक का रैप देखने को मिल जाता है और उसको हटाने के बाद हमारे को दिख जाता है नया टैग रिवॉल्व ब्लूटूथ स्पीकर। जैसे ही स्पीकर को साइड में रखते हैं तो हमें नीचे दो केबल देखने को मिल जाती हैं, ऑक्स केबल और चार्जिंग केबल, और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाती है। इन्हें अब हम साइड में रखते हैं और केबल को देखते हैं। केबल की अगर हम लेंथ की बात करें तो बहुत ही मीडियम डिसेंट लेंथ है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्स केबल की, इसे भी हम फटाफट खोल के देख लेते हैं। जी हाँ, और इसकी लेंथ भी इक्वली है चार्जिंग केबल के अराउंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसे भी अब हम साइड में रखते हैं और अब हम बात करते हैं द मेन द ब्लूटूथ स्पीकर टैग रिवॉल्व। तो अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पावर बटन, प्लस माइनस एंड मोड बटन। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एक स्ट्रैप है और कुछ फीचर्स इस रबर के नीचे हैं। जल्दी से इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। खोल जा, ये थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे खोलने में जो कि इसके नेगेटिव में जा सकती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको एक USB पोर्ट, एक माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, एक माइक्रो SD कार्ड और एक ऑक्स केबल के लिए जगह दी गई है। अब इसे बंद करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, जल्दी से इसे बंद करता हूँ और आगे बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो ये ऊपर इसके बेस के लिए रेडिएटर्स दिए गए हैं और सामने स्टीरियो मोड में आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं, 5 वॉट्स के दो स्पीकर। और अब हम इसके कुछ शानदार फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्टार्ट करने पर एक इंट्रोडक्टरी नोट सुनने को मिलता है और ये लाइट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव लगता है। और साथ ही में अगर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, साथ ही में इसमें आपको वायरलेस स्टीरियो म्यूज़िक देखने का मिल जाता है। इसमें अगर हम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 1200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जिससे आप 5 घंटे तक प्लेबैक टाइम निकाल सकते हैं। और कुछ कमाल फीचर्स के बारे में मैंने आपको जैसे बताया ही था कि इसमें आपको USB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको TF कार्ड सपोर्ट देखने को भी मिल जाता है और ऑक्स केबल का सपोर्ट तो इसमें मिलता है ही। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो कि इंश्योर करती है कि आपका स्टीरियो साउंड क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट हो और हाई बेस के साथ हो। बिल्ट इन माइक्रोफोन की इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, 30 फीट इसकी रेंज है और साथ ही में ये 1 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं, ईयरफोन ज़रूर लगाइएगा।
करना भी बहुत ही आसान है। Power off. और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो जो क्रिस्पीनेस और क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी है। आप हर एक वर्ड को क्लियरली सुन सकते हो, भले ही वो हाई पिच या फिर लो पिच हो, ये सब में बहुत ही क्लियर है। इस स्पीकर की टोटल आउटपुट 10 वॉट की है और सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.0 देखने को मिल जाता है और म्यूज़िक प्लेबैक टाइम इसमें 5 घंटे का देखने को मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, भले ही वो साउंड क्वालिटी हो, भले ही वो बिल्ड क्वालिटी हो, और साथ ही में इसकी पोर्टेबिलिटी भी ठीक ठाक सी है। ये मेरे हाथ जितना है और मेरे हाथ में फिट बैठ जाता है। थोड़ा वेट इसका सिर्फ 377 ग्राम्स है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं हम इसके कंक्लूजन के बारे में कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये था टैग का रिवॉल्व नया ब्लूटूथ स्पीकर, जिसे आज हमने अनबॉक्स करा है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी इसके डिस्कस किया है। इसके कुछ मेन फीचर्स जो मुझे बहुत पसंद आए हैं इज़ लाइक ये स्ट्रैप बहुत ही अच्छा है, साथ ही में इसमें जो USB के ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही में ऑक्स और microSD कार्ड का भी ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस स्पीकर में। और साथ ही में इसका जो क्लैरिटी है साउंड की, वो भी बहुत अच्छी है। तो इसकी हम प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको टैग की ऑफिशियल साइट पर 1750 का देखने को मिल जाता है। राइट नाउ इट इज़ नॉट ऑन इट्स साइट, जैसे ही आएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई होंगी। और मैंने अनबॉक्स किया था पिछली वीडियो में इसे, द टैग सोनिक एंगल वन को, ये वीडियो भी ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे टैग सोनिक एंगल वन वर्सेस द टैग रिवॉल्व, क्या दोनों में से कौन सा अच्छा है और आपको कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका टैग रिवॉल्व ब्लूटूथ स्पीकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ऐसे ही नई वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।